हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. दिस इज़ द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ योर फोर्थ लेसन विच नेम इज़ द मैन हु रोड द थंडर. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ. इट इज़ ऑल द मोर एसेंशियल टू पॉइंट आउट दैट अप टू दैट मोमेंट नोबडी हैड एवर इजेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग एट 500 मील्स पर आवर्स एंड एट सच एन अल्टीट्यूड. ये यहाँ बताना बहुत ही ज़रूरी होता है कि अब तक कभी किसी ने अपने आप को 500 घंटे प्रति मील से उड़ान भरते हुए और इतनी ऊंचाई पर अपने आप को इस तरह से प्लेन से बाहर नहीं निकाला था. आउटसाइड द प्रोटेक्शन ऑफ हिज प्रेशराइज्ड कॉकपिट, अपने कॉकपिट में एक सेफ्टी के बावजूद द पायलट हैड टू फेस एन एयर टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री बिलो जीरो. पायलट को जीरो से 50 डिग्री नीचे के टेम्परेचर को फेस करना पड़ा एंड ए लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच वॉज लाइबल टू मेक हिज ब्लड फ्रीज. और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज सो लो, और जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर था वो इतना नीचे था डैट इट कुड फ्रीज द ब्लड ऑफ एनीबॉडी, जो किसी के भी ब्लड को भी जमा सकता था. एक्सपेशली वेन ही वॉज वेयरिंग ओनली ए फ्लिम्सी फ्लाइंग सूट, हेलमेट, ग्लव्स एंड ऑर्डनरी फुटवेयर. और इट वॉज इन डैट कंडीशन, ये उस दशा में था वेन द पायलट हैड वेयर ओनली, जब पायलट ने केवल एक हल्का सा फ्लाइंग सूट, हेलमेट, ग्लव्स और ऑर्डनरी फुटवेयर पहन रखे थे. द कर्नल सर्वाइव द सडन ट्रेमेंडियस शॉक ऑफ हिटिंग द फ्रीजिंग रेयर फील्ड एयर एंड इन स्पाइट ऑफ द पेन फ्रॉम द सडन डीप्रेशराइजेशन ही रिमाइंड कॉन्शियस एज ही कार्ट व्हीलेड अर्थवर्ड्स. कर्नल सर्वाइव द सडन ट्रेमेंडियस शॉक ऑफ हिटिंग, कर्नल को अचानक से एक बहुत ही झटका लगता है. फ्रीजिंग रेयर फील्ड, एकदम से जमा देने वाला रेयर फील्ड एयर मीन्स द एयर ऑक्सीजन लेवल ऑफ द एयर वॉज सो लो, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम थी. एयर वॉज सो चिल्ड, सो कोल्ड, हवा बहुत ही ठंडी थी. एंड इन स्पाइट ऑफ द पेन फ्रॉम द सडन डीप्रेशराइजेशन, मतलब कम दबाव के दर्द के बावजूद ही रिमेंड कॉन्शियस, वह अपने आप को एकदम कॉन्शियस लिए हुए थे, एकदम अपने आप को एकदम स्थिर किया हुआ था. एज ही कार्ट व्यू लेट अर्थवर्ड्स, जब वो धीरे धीरे जमीन की ओर, अर्थ की ओर बढ़ रहा था, पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था. हिज पैराशूट वॉज डिजाइन टू ओपन ऑटोमेटिकली एट 10,000 फीट. हालांकि उसके पैराशूट को ऐसे डिजाइन किया गया था कि जो अपने आप को 10,000 फीट पर पहुँचने पर स्वयं ही ओपन हो जा रहा था. बट एज ही ग्लैंस्ड बिलो हिम, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, द पैरासूटिस्ट टू हिज हॉरर, पैरासूटिस्ट को थोड़ा डर लगा डैट ही वॉज फॉलिंग स्ट्रेट इन टू द सेंटर ऑफ ए ह्यूज ब्लैक थंडर क्लाउड, क्योंकि वह एकदम स्ट्रेट, वह एकदम सीधे एक बहुत ही बड़े काले और बिजली से या फिर बहुत काले घने बादलों के बीच वो एकदम स्ट्रेट नीचे आ रहा था. पावरलेस ऑफ डू एनीथिंग, अपने आप को कुछ भी करने में एकदम पावरलेस, एकदम अनेबल. ही ग्रेटेड हिज टीथ, उसने अपने दांत को दबाया एंड अवेटेड द सडन जर्क ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज पैराशूट, अचानक से एक झटके के साथ उसने पैराशूट को ओपन होते हुए देखा. एज इट्स ए रीअश्योरिंग कैनोपी ब्लॉमेड आउट अबव हिम, और उसका छतरीनुमा जो पैराशूट था वो उसके ऊपर ओपन हुआ. He felt another tremendous blast of the terrible forces of wind and hell inside the thundercloud battered his body. और अगेन ही हीयर्ड, फिर से उसने सुना एक बहुत ही tremendous blast, बहुत ही अद्भुत गर्जना. As terrible forces, बहुत ही भयंकर forces of wind, हवा के झोंके, and hell और बिजली की कड़कड़ाहट, inside thundercloud battered his body, मतलब वो अपने आप पे महसूस कर रहा था इन सब नेचुरल क्लैमिटीज़ को. डैट वॉज हैपनिंग एट दैट टाइम. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द फोर्थ चैप्टर एंड लास्ट पैराग्राफ वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन, बाय.